Under the topic of the economic problem, we are going to study that what are the economic problems of an economy, and here we are not going to express the details of the economic problem, rather, we are going to say the general economic problems on the broader aspect. These are the three problems that any economic agent of the society has to decide. So, number one problem. दैट इज़ फेस्ड बाई द इकोनमी इज़ वट गुड्स टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस तो एनी प्रोड्यूसर एनी एंट्रप्रन्यर हैज़ टू डिसाइड कि अगर वो कोई चीज़ उगा रहा है खेत में या वो अपने किसी कारखाने में तो उसको पहले यह तय करना है कि वट टू प्रोड्यूस उसने किस चीज़ के ऊपर काम करना है एंड हाउ मच टू और उसकी जो अमाउंट है जो क्वांटिटी है आउटपुट है वो कितना होना चाहिए और इन दोनों फ़ैसलों को करने के लिए अगर हम देखें तो उसके पास उसको बहुत सारी चीज़ों को अपना एस्टिमेट लगाना पड़ता है अब उसको क्या देखना है कि व्हाट आर द अवेलेबल रिसोर्स विद हिम अगर उसको ये देखना है कि मैंने पाँच मन कंदुम उगानी है तो वो देखेगा कि क्या मेरे पास खेत उतने हैं अगर सिर्फ़ खेत ही नहीं उसको वसाइल में पानी खाद बिजली ट्रैक्टर लेबर ये सब देखनी है तो इसी तरीके से अगर एक इंडस्ट्री में एक शख्स ने उसके लिए अपना कोई एस्टिमेट लगाता है कि मैंने इतनी चीज़ अपनी लिमिट करनी है तो उसको उसके लिए भी हिसाब किताब लगाना होगा कि मेरे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है मेरे पास अवेलेबल रिसोर्स हैं कि नहीं हैं और इन सब के बेस पे अगर उसको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और वो अपने रिसोर्स से दो तीन काम कर सकता है तो अब उसको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि मैंने किस चीज़ को लिए प्रोडक्शन करनी है और मैंने किस चीज़ को कर क्योंकि एक दफ़ा रिसोर्स को जब आप इस्तेमाल करने के लिए शुरू कर लेंगे तो फिर उसमें ऑटोमेटिकली अगर हम कहें कि हम ख़त्म करके दूसरा नहीं कर सकते जिस तरह हम कंप्यूटराइज सिस्टम में कर ले सकते हैं तो प्रोडक्शन सिस्टम में अगर एक शख्स ने पोल्ट्री फार्म में लेयर्स ले कर और चूजे डाल लिए हैं तो पंद्रह दिन या महीने बाद कहे कि अब मैंने बदल के कुछ और करना है तो वो वाली जो इन्वेस्टमेंट या वो सरमाया लगा चुका है वो उसका जाया हो जाएगा इसलिए ये सारे फ़ैसले उससे पहले प्रायोरिटाइज़ करके उसको करने होंगे और यहीं से उसको अपनी कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन देखनी है कॉस्ट ऑफ सप्लाई देखनी है और हाउ मच का जो फ़ैसला है कि कितना उसके लिए उसको अपने मार्केट में मौजूद डिमांड तलब का हिसाब किताब देखना होगा जिसके लिए वो मुख्त तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकता है दूसरा जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सामने आता है वो है हाउ टू प्रोड्यूस यहाँ हाउ जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है उस टेक्निक से रिलेटेड हो सकता है उस सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है तो इसका मतलब है कि कोई भी एक काम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जा सकता है तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर हम कहें कि एक छापाखाना पहले जो है वो हाथ से लिखने वाला काम भी होता था फिर थोड़ी सी मशीनों के जरिए भी हो गया फिर कंप्यूटराइज्ड हो गया तो इसका मतलब है वही एक काम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी किया जा सकता है तो अब हमें हाउ टू प्रोड्यूस में ये तय करना होगा कि उसके लिए जो टेक्निक या टेक्नोलॉजी या सिस्टम या मेथड है वो कौन से वाला लेना है अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हो सकता है कि जब वो इस्तेमाल करे तो जिस तरीके से आप फैमिलियर हैं कि खेती बाड़ी में मैनुली या हाथ से काम किया जाता था बैलों के ज़रिए किया जाता था तो लेबर ज़्यादा इस्तेमाल होते वही खेती बाड़ी बाद में अगर आप देखें तो ट्रैक्टर और मशीनों के ज़रिए हो तो वही फसल दो तरीक़ों से उगाई जा सकती है अब इसमें अगर हम देखें तो एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक है जिसमें लेबर ज़्यादा है दूसरी कैपिटल इंटेंसिव है जब लेबर कम हो तो फिर उस वक्त उसको कैपिटल को यूटिलाइज करते हुए मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरीके से हमने जब उसको देखना है कि उसने हाउ टू प्रोड्यूस में तो उसको अपना देखना है कि उसके रिसोर्स कितने हैं और वो किस टेक्निक या मेथड के ज़रिए कितना कम्बिनेशन ऑफ़ लेबर कैपिटल एनर्जी का करके अपना आउटपुट जो है उसको मैक्सिमाइज कर सकता है जो पैदावार है उसमें वो सबसे ज़्यादा हिसाब लगाएगा कि मैंने सबसे ज़्यादा पैदावार किस तरीके कार के ज़रिए मुझे मिलती है और एक पैदावार के साथ साथ उसको ये देखना है कि उस तरीका कार में उसके अखराज कितने होते हैं तो हम अगर इसमें देखें तो पैदावार की लागत और उसके साथ उसको उगाने या उसको बनाने की लागत ताकि उससे उसको ये अंदाज़ा हो सके कि उसके साथ उस यूटिलाइजेशन के साथ उसको नफ़ा कितना हो रहा है तो हाउ टू प्रोड्यूस का डिसीजन में उसको इन तमाम चीज़ों को देखना होगा और इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन जो होती है वो होती है बेहतरीन और अच्छी टेक्नोलॉजी की जो सरमाया को बचाने में हेल्प करे और वक्त जो है वो भी एक सरमाई की शक्ल में है तो जो कम वक्त में ज़्यादा पैदावार दे सके तीसरा जो सबसे अहम फैसला जो हमारे लिए इकोनॉमिक एजेंट्स सोसाइटी में है करते हैं वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस होम वो टारगेट है जिसके लिए तमाम प्रोडक्शन की जाती है या दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ तो ये वो टारगेट है जो आपकी मार्केटिंग एजेंसी कर रही होती है मीन्स द कंज्यूमर अब कंज्यूमर कौन है तो हमें उसमें से पहले देखना है कि हमारा वो प्रोडक्शन अगर एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे हम खड़े हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो चीज़ जो एक कारखाना लगा के पैदा कर रहा है वो किसने ख़रीदनी है कौन उसको चाहता है कि वो ख़रीदे वो उसकी अपनी कंजम्पशन करना चाह रहा है और जो वो करना चाह रहा है उसको उसकी ख़रीद करने की सख्त परचेजिंग पावर है उसकी इनकम कितनी है तो हम उस टारगेट को देखते हुए करेंगे और अगर हम यहाँ पे देखें तो वो परचेजिंग पावर उसकी आमदन के हिसाब से होगी तो जिस दफ़ा रिसेशन इकोनॉमीज़ में आ जाता है लोगों की आमदन कम हो जाती है तो आप देखें कि कारखानादार उसके मुताबिक अपनी कमोडिटीज़ के साइज़ को छोटा कर देते हैं जो आप आज देख रहे होंगे कि बिस्किट का पैकेट का साइज़ वही है लेकिन उसमें नंबर्स कम करके तो फॉर होम टू प्रोड्यूस की जो है उसकी सकत के अंदर वो प्रोवाइड किया जा रहा है और इसमें अगर हम देखें तो जब इनकम की हम बात करते हैं तो वो उसकी इनकम वो फ़्लो ऑफ़ आउटपुट पे डिपेंड करती है और ये फ्लो ऑफ आउटपुट जो कंज्यूमर है उसके पास कहाँ से आ रहा है वो अपनी वेजेस के ज़रिए अर्न कर रहा है क्योंकि वही कंज्यूमर किसी और फॉर्म में मज़दूर के तौर पे जॉब होल्डर के तौर पे वर्कर के तौर पे काम कर रहा है और अगर उसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं तो वो उन रिसोर्सेज के ऊपर जैसे अगर किराया ले रहा है दुकानों का ज़मीन का ठेका ले रहा है तो ये कैपिटल की फॉर्म में है कुछ पैसे कुछ सरमाया अगर बैंक में है वो उस पर इंटरेस्ट ले रहा है तो ये भी उसके पास फ़्लो ऑफ इनकम की फॉर्म में जा रहा है तो ये तमाम चीज़ें जो हैं और जो मुख्तलिफ अपनी तजारत के ज़रिए ले रहा तो जो प्रॉफिट्स हैं तो यही वो इनकम है जो उसकी परचेजिंग पावर को डिसाइड करती है तो इन तीन डिसीजंस की बेस पे हम अगर देखें तो हमारी टोटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कब अक्यू होते हैं